देवी का पार्ट कितना भी विशाल हो जाए, मत्स्य अवतार के रूप में सारे समंदर में समा जाए, तो भी अंत में डूबी जा का हसर हो जाता है। एक सच्चा खुलता है और बाकी सब झूठे साबित हो जाते हैं, चाहे वो देवियां हो, चाहे वो गणेश हो, चाहे हनुमान हो। बाकी मरना तो सबको पड़ता है, कोई पहले मरेगा और कोई बाद में मरेगा, है देह अभिमान से मरने की बात। दुनिया भी मान मरतवा लेना, ये भी देह अभिमान की बात है। हमें कोई भी देह अभिमान का मान मरतवा नहीं चाहिए, सारा ब्राह्मण परिवार मेरे कंट्रोल में चले, यह है देह अभिमान। उस देह अभिमान से स्वर्ग की बादशाही स्थापन नहीं होती है। आत्माभिमान से ही होती है। और बाबा मुरली में बोला है पार्वती और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र में इसके माने हम नहीं समझे बाबा। मुरली में कहीं भी ब्रह्मपुत्री नहीं बोला है, क्या बोला है? ब्रह्मपुत्रा बोला है। ब्रह्मा का पुत्र, कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी? ये ब्रह्मपुत्रा अथवा प्रजापिता, ये आदि का नाम है, ये अंत समय का संपूर्ण स्टेज का नाम है। प्रजापिता कहो वो आदि का नाम है, ये अंत की संपूर्ण स्टेज का नाम है, है? प्रजापिता आदि का नाम है। ऐसे ही मुरली में जो बोला है ब्रह्मपुत्रा, ये आदि का नाम है, ये अंत का नाम है, आदि का नाम है। अंत का नाम क्या है? प्रजापिता का अंत समय का नाम है प्रजापति, और ब्रह्मपुत्रा का अंत का नाम है ब्रह्मपुत्री, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्री नदी कहां से निकलती है? ज्ञान मानसरोवर नाम दिया है, मानसरोवर झील है, जो पहाड़ों की सबसे ऊंची स्टेज पर है। वहां से ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी है, जो पहाड़ों पर ही ऊंची ऊंची स्टेज में बहती रहती है, अंत में आकर के सागर में गिरती है। तब अंत में आकर के सागर में गिरती है जब गौहाटी से गुजरती है। कैसी गौ? हट्टी गौ, जिसका भाव स्वभाव संस्कार बड़ा हट्टी स्वभाव का है। जैसे बैल का स्वभाव हट्टी होता है, वो बैल भी उस गौ में प्रवेश होता है। तो वो गौ भी हट्टी स्वभाव की हो जाती है। जल्दी चेंज नहीं होना है। नौ देवियों में पहली देवी जल्दी चेंज होती है,
प्योरिटी से जल्दी परिवर्तन होता है या इम्प्योरिटी से जल्दी परिवर्तन होता है? तो कौन सी है वो देवी जो प्योरिटी के बल पर पहले पहले परिवर्तन हो जाती है, लक्ष्मी बन जाती है, छोटी माँ? और वो कौन सी देवी है जो लास्ट में चेंज होती है? महाकाली। एक का नाम है महागौरी और एक का नाम है महाकाली। तो पवित्रता के पास अपवित्रता को आके झुकना पड़े या पवित्रता के पास पवित्रता को आके झुकना पड़े? झुकना पड़े। इसलिए चाहे गंगा हो, चाहे जगदम्बा सरस्वती हो, चाहे यमुना हो, तीनों नदियों का जो कॉम्बिनेशन गंगा कहा जाता है अंत में, वो गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा में जाकर के मिलती है। ब्रह्मपुत्रा आकर के गंगा में नहीं मिलती। फिर गंगा सागर का मेला गाया जाता है। हट्टी माने अड़ जाए, जल्दी चेंज ना हो, अपनी बात पर अड़ जाए कि हमारी बात सच्ची। जैसे ब्रह्मा की सोल अड़ी हुई है, किस बात पर अड़ी हुई है? गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का भगवान साकार रूप में दुनिया की और कोई हस्ती नहीं है जो गीता का भगवान हो। मैं कृष्ण की आत्मा ही गीता का साकार भगवान हूं। जैसे ब्रह्मा की सोल अड़ती है, वैसे ब्रह्मा की सोल जिस चोले में अंत में प्रवेश करती है, महाकाली का पाठ बजाती है, वो भी भक्ति मार्ग पूरा पकड़ लेती है। अंत में कहती ज्ञान व्यान सब झूठा और भक्ति मार्ग ही सच्चा है। आज मुरली में नाम क्या आया? चंदा। नहीं तो बाबा, साधारण स्थिति में कोई बच्चे का नाम नहीं लेते हैं। कब लेते हैं नाम? जब बच्चा बहुत तंग करता है तब उसका नाम लेते हैं। और फीमेल हुआ तो है? मेल हुआ तो फीमेल हुआ चंदा तो चंदा। हाँ जी, फीमेल फीमेल नाम है बाबा। हाँ बाबा ऊपर तो है। जो युगल जोड़ी अभी गीता पाठशाला चला रहे हैं है? जो युगल जोड़ी अभी गीता पाठशाला चला रहे हैं हाँ? जब दिन समय होगा बिना शुरू होगा दुनिया वाले उन्हें कौन से नजर में देखेंगे? तो दुनिया वाले उन्हें कौन से नजर से देखेंगे? अरे युगलों की बहुत महिमा होगी। ये मुरली में बोला कि नहीं बोला? क्यों होगी युगलों की महिमा? कुमारों की इतनी महिमा नहीं होगी। अदर कुमारी घर में अकेली रहती है तो उसकी महिमा नहीं होगी। अधर कुमार घर में रहता है अकेला तो इतनी महिमा नहीं होगी। जो युगल हैं इकट्ठे रहते हैं अपने घर गृहस्थ में, उनकी बहुत महिमा होगी। क्यों बोला? क्योंकि युगलों को ही ये लकब मिला हुआ है गीता पाठशाला का टीचर बनने का। युगल हैं तो गीता पाठशाला के टीचर बन सकते हैं। लक्ष्य का चित्र
अपने घर में लगा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं स्टूडेंट को कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना है, तो पहले खुद को बन करके दिखाना पड़े कि नहीं दिखाना पड़े? तो प्रैक्टिकल जीवन उनका लक्ष्मी नारायण का हो तो दुनिया को पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बन सकेंगे। ऐसी युगल जोड़ियों की आगे चल के बहुत महिमा होगी और वो गीता पाठशालाएं ढूंढे नहीं मिलेंगी। लेकिन पक्के ईश्वरीय ज्ञान पर चलने वाले होने चाहिए, ऐसे मोहमयी नहीं होना चाहिए कि अभी गीता पाठशाला चला रहे हैं और कल बच्चे की शादी करके बहू लेके घर में बैठ जाएं। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर रहा या गंध करने का अड्डा बन गया? फिर जो गंध में रहने वाले होंगे वही वहां जाकर के पढ़ाई पढ़ेंगे। खुद गंदे कीड़े बनते होंगे तो ऐसी पढ़ाई भी जा करके पढ़ेंगे, नहीं तो ईश्वरीय नियम के अनुसार गीता पाठशालाओं को त्याग देंगे। बाबा का तो नियम है, पालो ब्रह्मा बाप। बाप ने अपने दोनों बच्चों को अलग कर दिया, शादी करना है गंध करना है तो जाओ बाहर की दुनिया में। भगवान के मंदिर में रहने का तुमको कोई हक नहीं है, अपना कमाओ और खाओ। बाबा तो जिसके यहाँ पहले से जो चलाने का नियम बन रहे थोड़ा, उसमें पहले से उसका मकोब है और बेटा है, उसको क्या करेगा? कमाल किस काम देगा? क्या नहीं चलेगा? शादी करे तब ना। शादी कर तो भी है, बच्चे भी हैं। इतना पैसा लगा था? वहाँ चलाना नहीं चाहिए। अरे अगर वहाँ गीता पाठशाला है और बच्चे की शादी करके बहू घर में भी रहती है, उसके हाथ का खाना भी खाते हैं, निश्चय निश्चित है कि बच्चा भी पैदा होगा। बच्चा पैदा होगा घर में पूरा ही गंध करेगा, वैसे भी अंदर अंदर गंध चल रहा है, तो जाने वाले गंध करने वाले स्वभाव के हैं या गंध को त्यागने वाले हैं? त्यागने वाले हैं। जो जाते हैं जानबूझ करके भी जाते हैं, तो इसका मतलब है वो भी अपने घर में यही धंधा चलाते हैं, इसलिए बुरा नहीं मानते। है जो राधा कृष्ण बनते हैं स्वयंवर पर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। जो राधा कृष्ण बच्चे हैं, राधा कृष्ण बच्चे हैं, जो स्वयंवर पर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। हाँ जी, भट्टी में कहाँ है? भट्टी में कहाँ है? और कोई फिर लक्ष्मी नारायण चित्र में नीचे दिखाया कला कम होती है तो राधा कृष्ण बन जाती है, और कौन है? बात समझ में नहीं आ रही है, पहले बंगाली लोगों को समझाता हूँ। कोई माता ने बात समझी? नारायण बनते हैं, कम कलाओं वाले तो नहीं दिखाए हैं? नहीं, जो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे दिखाए गए हैं वो कम कला वाले हैं या 16 कला संपूर्ण है? 16 कला संपूर्ण है, कम कला वाले क्यों हैं? वो तो पहले जन्म के हैं, पहले जन्म में तो पूरी 16 कला संपूर्ण होते हैं। पहले जन्म में जो भी आत्माएं ऊपर से उतरेंगी वो सब 16 कला संपूर्ण होंगी, उसके बाद जो अगली डायनेस्टी होगी उसकी चौथाई कला कम हो जाएगी। लक्ष्मी को निकाला तो अच्छा किया या उल्टा?
अरे वो कथा ही कलयुगी नारायण की है। कौन से नारायण की है? जब वो नारायण वाली आत्मा कलयुग में आ जाती है, उस समय की बात है। तो कलयुग में सारे ही शूद्र संप्रदाय है या ब्राह्मण है? सब सारे ही शूद्र हैं। क्यों? यहाँ भगवान आता है तो पतितों का संग नहीं करता है? अरे भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो जो पतित आत्माएं हैं, शूद्र हैं, उन शूद्रों को ब्राह्मण नहीं बनाता है, फिर तो शूटिंग हो जाती है। लक्ष्मी किया तो पूरा नहीं किया। क्या लक्ष्मी जब हाथ गए चंडाल किया तो पूरा नहीं हुआ? अरे कलयुग में सारे ही शूद्र हैं। और ब्रह्मा और विष्णु के लिए नहीं बोला, बस नॉट ए पेनी। ब्रह्मा और क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी नहीं मिलेगा। विष्णु बर्थ नॉट ए पेनी है या 16 कला संपूर्ण है? वो तो 16 कला संपूर्ण है। हाँ विष्णु कोई अलग से आदमी होता है क्या? जो लाख लाख का विष्णु कोई अलग से आदमी होता है कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है? ब्रह्मा संपन्न स्टेज में जब जाता है तो विष्णु बनता है। और ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा चार पांच हैं। वो चारों पांचों ब्रह्मा जब विष्णु की स्टेज पर पहुंचते हैं तो पांचों ही 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। पांचों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। तो बर्थ नाट्य पैनी हुए या बर्थ पाउंड हुए? आपके बोलने से क्या होता है? और सच्ची गीता साथ में लाया करो। कहाँ है? बोलो। ये क्या लिखा है? है और ये मुरली कौन से सन की है? 75 में भरतनाट्य पहनी है या आगे होंगे? वास्तव में विष्णु है भी नहीं। वो भरतनाट्य पहनी है का मतलब क्या हुआ? 75 में भरतनाट्य पहनी और 2018 के बाद क्या हो जाएंगे? बर्थ पाउंड हो जाएंगे। तो बाबा ने तो झूठ नहीं बोला। नहीं ठीक है। हाँ जो 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 हाँ क्या अब टाइम नहीं, ज्यादा हो गया। हाँ हाँ।